आज का अपना टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डिजीज ऑफ ए प्लांट इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जो पादपों में रोग के बारे में अध्ययन करती हो, उस शाखा को पादप रोग विज्ञान कहते हैं। पादप रोग विज्ञान में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि बीमारी, डिजीज, पौधों में बीमारी क्या होती है, बीमारी को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो बीमारी या डिजीज इज डिफाइंड एज एनी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर विच वर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ आइदर ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और माइकोप्लाज्मा इज नोन एज डिजीज। वॉट इज डिजीज? डिजीज इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर विच वर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ आइदर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और माइकोप्लाज्मा इज नोन एज डिजीज। क्या होती है बीमारी? पौधों में वह फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी के भी संक्रमण, चाहे वो बैक्टीरिया हो, विषाणु हो, जीवाणु हो या माइकोप्लाज्मा हो, के संक्रमण से उत्पन्न होता हो, को रोग कहते हैं। तो रोग क्या होता है कि जो पौधे के जो दैनिक उसकी जो गतिविधि होती है, क्रियाकलाप होता है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में डिसऑर्डर में बदलाव आ जाता है, या तो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है एक्सेलरेट हो जाता है, तीव्र होने लगता है, या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बिल्कुल डाउन हो जाता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बिल्कुल चेक हो जाता है या बंद हो जाता है। तो जो ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जो प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं? संक्रमण से। और वो संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? वो चाहे जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है और कवक हो सकता है। इनके संक्रमण से जो पौधे की जो शारीरिक क्रियाएँ प्रभावित होती है, उस पूरे मैकेनिज्म को एक रोग नाम दिया जाता है। तो डिजीज इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर विच वर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन आइदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और ए माइकोप्लाज्मा इज नोन एज डिजीज। अब जो ये डिजीज है वो किस किस के द्वारा फैलती है, या किस किस से द्वारा पौधों में ये डिजीज उत्पन्न होती है? तो डिजीज का उत्पन्न होने के चार मुख्य कारण हैं, जो एनिमेट इसको ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन हो तो ये हो सकता है बायोमोलिक्यूल और नॉन बायोमोलिक्यूल। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ वो बायोमोलिक्यूल के हिसाब से है। बायोमोलिक्यूल मतलब वे तत्व जिसमें जीव हो, उनके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है, और उनमें से मुख्य है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और माइकोप्लाज्मा। ये जो चार है, चारों ही लिविंग बींग्स है, और इन लिविंग बींग्स के द्वारा इसमें रोग होता है। कुछ एक नॉन लिविंग बींग्स भी है, अनएनिमेट भी है, उनके द्वारा भी रोग हो सकता है, जिसमें कई तरह के अनएनिमेट एलिमेंट है, जैसे मरकरी है, लेड है, और भी ऐसे बहुत सारे अकार्बनिक तत्व है जिसके द्वारा भी रोग हो सकता है, उनको अनएनिमेट कहते हैं, या जो निर्जीव तत्व है उनके द्वारा भी रोग हो सकता है। आज अपन बात कर रहे हैं तो सजीव तत्व है जिनके द्वारा रोग होता है, उनमें से चार मुख्य है जीवाणु, विषाणु, कवक और माइकोप्लाज्मा। अब उसमें सबसे पहले लेते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणुओं से पौधे में जो रोग होता है, उन जीवाणुओं को कहा जाता है फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया।
द डिजीज विच वर कॉज्ड बाई ए बैक्टीरिया इज नोन एज फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब वॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइटोजेनिक फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो फाइटोजेनिक फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया का जो मुख्य जो लाक्षणिक गुण ये है कि ये बैक्टीरिया प्राय मृत जीवी होते हैं, लेकिन मृत कार्बनिक पदार्थ अनुपस्थित होने पर ये परजीवी पादपों पर भी भोजन के लिए आश्रित हो सकते हैं और परजीवी पर भी रोग उत्पन्न करते हैं। इसको थोड़ा करेक्शन कीजिए, ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से परजीवी होते हैं, लेकिन परजीवी की अनुपस्थिति में मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी ये भोजन के लिए आश्रित रह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, पहला। दूसरा, ये किसी भी एनिमल को इन्फेक्ट नहीं कर पाते, किसी भी एनिमल में ये रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। तीसरा, इनका आकार मुख्य रूप से छड़नुमा होता है, रॉड शेप होता है, और ये फ्लेजिलेट होते हैं। आकार मुख्य रूप से रॉड शेप होता है और फ्लेजिलेट होते हैं। और सबसे लास्ट में ये है कि मुख्य रूप से ये ग्राम नेगेटिव प्रकार के होते हैं। कुछ एक बैक्टीरिया को छोड़कर जैसे कॉर्निबैक्टीरियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये दो क्लास है कॉरिनीबैक्टीरियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और पौधों में रोग फैलाते हैं, बाकी सारे के सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्लांट में रोग फैलाते हैं और एनिमल में अमूमन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रोग फैलाते हैं। ये डिफरेंस है कि प्लांट में तो ग्राम नेगेटिव और एनिमल में ग्राम पॉजिटिव, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें। तो ये इनके करेक्टरिस्टिक फीचर है चार, मुख्य रूप से मृत जीवी होते हैं, ये जंतुओं में कोई रोग नहीं फैलाते हैं, ये रॉड शेप और फ्लेजिलेट होते हैं, ये मुख्य रूप से ग्राम नेगेटिव होते हैं एक्सेप्ट कोरिन बैक्टीरियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन ऑफ ए प्लांट बाई बैक्टीरिया। ये फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ये पौधे में इन्फेक्शन कैसे फैलाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया पौधे के जो हार्ड पार्ट है, जो कठोर पार्ट है क्यूटिकल, उस क्यूटिकल के थ्रू संक्रमण नहीं फैलाते हैं। यह फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया पौधे का जो टेंडर पार्ट है, मुलायम पार्ट है, उसके माध्यम से ही संक्रमण फैलाते हैं। और वो टेंडर पार्ट है या तो मूल रोम, रूट हेयर, स्टिग्मा ऑफ ए फ्लोवर, फूल का जो स्टिग्मा होता है वो, या पौधे के कोई भी बाहरी जो ओपनिंग पार्ट होता है, जैसे वात रंध्र हो, लेंटिसेल हो, या कोई घाव हो, वाउंड्स हो, उसके द्वारा ये बैक्टीरिया संक्रमण फैलाता है। तो संक्रमण की खास बात यह है कि यह किसी भी ये क्यूटिकल के माध्यम से, इसका माध्यम से ये इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। ये पौधे में केवल जो टेंडर पार्ट है, मूल रोम है, स्टिग्मा है, या एनी ओपनिंग ऑफ ए प्लांट लाइक स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, वाउंड्स के माध्यम से ये पौधे में संक्रमण फैलाता है। अब ये संक्रमण में इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? जब ये पौधे के अंदर संक्रमण फैलाता है तो पौधे में जाके ये क्या करता है? पौधे की जो टिश्यू है, सेल है, या जो उसकी फिजियोलॉजिकल मशीनरी है, उसमें कैसे ये छेड़छाड़ करता है या क्या वो करता है जिससे पौधे में रोग उत्पन्न हो जाता है? तो उसका सबसे पहला ये है कि ये पौधे में जाके रॉट एंजाइम, एक जो एक द्रव्य होता है जिसको रॉट बोलते हैं,
उसको उत्पन्न करने वाली फिजियोलॉजिकल मशीनरी को एक्सीलरेट करता है। जिस पौधे के भाग में बैक्टीरिया का संक्रमण होता है वहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में ये इंटरफेयर करके एक द्रव्य उत्पन्न करता है जो जो पौधे के जो होस्ट टिश्यू है उस टिश्यू को डैमेज कर लेता है, और डैमेज करने के बाद जो लिक्विड बाहर जो लिक्विड होता है वो पौधे की किसी भी ओपनिंग से बाहर एकत्रित होता है। दूसरा इसका जो कारण है, जो क्या एक्शन है, दूसरी तरह का एक्शन ये है कि जहाँ कहीं पर भी इनका संक्रमण होता है वहाँ पर ये ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देता है या ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है या ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कोशिका को बाध्य करता है, क्योंकि मैंने बताया कि यह केवल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ही चेंज करता है, एल्टर करता है या डिसऑर्डर करता है, जिससे जिस भाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है वहाँ पर कैंसरस सेल, ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल का निर्माण हो जाता है, या जो साधारण कोशिका है वो साधारण कोशिका ट्यूमर इंड्यूसिंग में परिवर्तित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्राउन गॉल या कैंसरस कोशिका का निर्माण हो जाता है और उस भाग में बहुत सारी अनलिमिटेड सेल बनती है जिसको अपन कैंसर बोलते हैं। तो पहला तो है ये कोई रॉट या द्रव्य पदार्थ सिक्रेट करता है, दूसरे में ये कैंसर सेल उत्पन्न कर लेता है, और जो तीसरा ये है कि ये जहाँ कहीं पर भी इसका संक्रमण होता है वहाँ पर कोशिका के अंदर ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए कोशिका को प्रेरित या इंड्यूस कर लेता है, जैसे पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोलाइटिक और पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम की ये बहुत मात्रा बढ़ा लेता है, और जो सेलुलोलाइटिक और पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम है यह कोशिका भित्ति को तोड़ देता है और उसके परिणाम स्वरूप जिस भाग में इसका संक्रमण होता है वहाँ की कोशिका मर जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति टूट जाती है, मिडिल लेमिला टूट जाती है सेलुलोलाइटिक और पेक्टिनोलाइटिक एंजाइम के द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप वो पौधे का भाग मर जाता है। तो ये तीन तरह के एक्शन इसके जहाँ कहीं पर भी इनका संक्रमण होता है वहाँ पर ये एक्शन पाए जाते हैं। अब इसका कम्युनिकेशन या इसका डिजीज का स्प्रेड कैसे होता है, डिजीज ये रोग फैलता कैसे है, तो फैलने के लिए इसके मुख्य रूप से तीन चार मैकेनिज्म हैं। वो ये है, या तो ये रोग बीज के द्वारा हो सकता है, या ये रोग मिट्टी के द्वारा हो सकता है, या ये रोग हवा के द्वारा फैल सकता है, या ये रोग जल के द्वारा फैल सकता है। तो ये फैलने के कोई सा भी ये मोड हो सकता है, चाहे सीड हो, चाहे एयर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर हो, ये इनका मेन स्प्रेडिंग मोड है। अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो है कि जब बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो उससे क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो लक्षण में सबसे पहला लोकल लेशन, लोकल मतलब पौधे का वह भाग जो संक्रमित हुआ हो उसको लोकल बोलते हैं, लेशन का मतलब उस भाग से कोई तरल पदार्थ बाहर आता हो तो उसको लोकल लेशन बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने मोड ऑफ एक्शन में मैंने बताया था कि जहाँ कहीं भी बैक्टीरिया का संक्रमण होता है तो वहाँ पर ये उस एरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ देता है, कोशिका बिल्कुल मृत हो जाती है और एक लिक्विड पदार्थ में रूपांतरित हो जाती है, और वो पदार्थ एक बूंदों के रूप में पौधे के बाहर
ये द्रव्य के रूप में पौधे के बाहर दिखता है उसको लोकल लेशन कहते हैं। तो पहला सिम्टम है कि बैक्टीरिया का जिस पौधे में संक्रमण होता है उस पौधे पर लोकल लेशन दे सकता है, पानी या द्रव्य की बूंदों के रूप में अगर किसी पौधे में दिखता हो तो उसको देख के अपन कह सकते हैं कि इसमें बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है। और ये लोकल लेशन चाहे पत्ती पर भी दिख सकता है, पीटियोल पर भी दिख सकता है, स्टेम पर भी दिख सकता है, और फल और फूल पर भी दिख सकता है। दूसरा अभी जो बताया वो मैंने सॉफ्ट रॉट है। जब पौधे में ये द्रव्य के रूप में बाहर निकलता है तो वो लोकल लेशन नहीं है, वो सॉफ्ट रॉट है। लोकल लेशन में पौधे के जिस भाग में इसका संक्रमण होता है उस वो भाग बिल्कुल जला हुआ जैसे प्रतीत होता है, वो भाग सूख जाता है, उसको लोकल लेशन बोलते हैं। अभी मैंने बताया वो है सॉफ्ट रॉट, जहाँ द्रव्य के रूप में बाहर निकलता है। नेक्स्ट है कैंकर और स्कैब। कैंकर और स्कैब में यह है कि ये ज़्यादातर फ्रूट या तने पर ये रोग पाया जाता है, और जहाँ पर ये बैक्टीरिया का संक्रमण होता है वहाँ की कोशिका भित्ति डिफॉर्म्ड हो जाती है और बाहर फ्रूट के बाहर ये कैंसरस की गांठे नुमा दिखती है, काली काली कैंसर की गांठे नुमा दिखती है या स्पॉट दिखते हैं, उसको कैंकर बोलते हैं या स्कैब बोलते हैं। तो तीसरा ये है लक्षण स्कैब। कुछ एक पौधों में इसमें वैस्कुलर सिस्टम डिजीज संक्रमण इतना भयंकर हो जाता है कि जो संवहन पोलीय तंत्र है वहाँ पर बैक्टीरिया पहुँच जाता है, और वहाँ पर पहुँचने से ये पौधे के पूरे भाग सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाता है। तो पौधे के प्रत्येक भाग में फिर इसके लक्षण दिखाई देते हैं, और वो लक्षण या तो विल्टिंग, पौधे के जिस भाग में ज़्यादा संक्रमण होता है वहाँ भाग सूख जाता है, वो पत्तियाँ बिल्कुल झुक जाती हैं, डालियाँ झुक जाती है, या उसकी मध्य शिरा पीली हो जाती है। तो ये वैस्कुलर सिस्टम डिजीज, जब ये इसका संक्रमण संवहन पुलों तक पहुँच जाता है तो ये बिल्कुल सीवियर हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। और लास्ट में है ब्लाइट। बैक्टीरिया के कुछ पौधों में इसका जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको ब्लाइट कहते हैं। ब्लाइट का मतलब जैसे जला हुआ हो, आग से कोई भाग जल गया हो, चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, चाहे फल हो, वो बाहर से अपने को ऐसा लगे कि उसको जला दिया गया हो या जल गया हो, ऐसा प्रतीत हो, उसको ब्लाइट कहते हैं। तो ये चार मुख्य इसके ये लेसन होते हैं, पाँच लेसन होते हैं, पाँच सिम्टम होते हैं, जिसमें लोकल लेशन, सॉफ्ट रॉट, कैंकर और स्कैब, वैस्कुलर सिस्टम डिजीज एंड ब्लाइट। तो ये कुछ एक बैक्टीरियल डिजीज का इंट्रोडक्शन है। अब पौधों में कई पौधों में अलग अलग पौधों में अलग अलग बैक्टीरिया जनित रोग पाया जाता है, वो कौन कौन से पौधों में होता है वो अपन वन बाई वन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।